हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6, सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल की जो है ये वर्कशीट है बेटा, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, इस वीक से आपकी जो वर्कशीट है उनका शेड्यूल जो है चेंज हो गया है। अब आपकी जो 6 to 8 से कॉमन वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी। अब आपको पर डे 2 वर्कशीट करनी है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये वर्कशीट होंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी। और ये जैसे कि आज की जो वीडियोस हैं उनमें आपकी SST की और इंग्लिश की वर्कशीट जो है वो शेड्यूल की गई है। और अब हम इसमें जो है वर्कशीट नंबर 6 फोर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट उसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मानव निर्मित पर्यावरण, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकृति से हमें हवा, पानी, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें किससे मिलती हैं, हमें प्रकृति से मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक है, यानी हम इन चीज़ों का यूज़ किस में करते हैं, कच्चे माल की तरह इनका उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। और जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार हम जो कच्चा माल है उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और अपनी जो तकनीक है उनका प्रयोग करके वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है। यानी बच्चों, हमारे पास जो हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो कच्चा माल है उसको उसमें हम परिवर्तन करते हैं और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। यानी जो जो हमें प्रकृति ने पर्यावरण दिया है उसका उसको हम कच्चे माल की तरह प्रयोग करके किसमें बदल लेते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण में। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यानी मनुष्य जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है पेड़ों से क्या बनाई जाती है, पेड़ों से फर्नीचर बनाया जाता है। पेड़ों की जो लकड़ी होती है उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर। अब देखो बेटा, पेड़ जो है वो क्या है, वो जो है कैसा है, वो प्राकृतिक है। लेकिन उससे हमने अपने तकनीकी ज्ञान से हमने क्या बनाया, फर्नीचर बनाया। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है, ये मानव निर्मित हो गया। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं। अब मिट्टी जो है वो क्या है, वो प्राकृतिक है। लेकिन उससे घर बनाने के लिए जो ईंटें बनाई गई वो क्या हो गई, वो मानव निर्मित हो गई। इसी तरह वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तो धातु तो प्राकृतिक हो गई। और जो वाहन है, बर्तन है, वो सब क्या है, वो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई हैं। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। तो कई बार क्या होता है कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है यानी हम जो चीज़ें प्रयोग करते हैं उसका एक तरह से गलत प्रभाव किस पर पड़ता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहन और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को बिल्कुल एक तरह से नष्ट करता है, हवा को प्रदूषित करता है। ठीक है ना, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यानी जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है और जो हम पर्यावरण बना रहे हैं उसमें संतुलन होना आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं होगा तो उस वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो बच्चों, मानव को जो है पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ जो है रहना आना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि मानव निर्मित पर्यावरण के जो है उसके ऊपर केवल हम अपना लाइफ, हमारा जीवन आधारित नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मानव निर्मित पर्यावरण के। जैसे मानव ने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पार्क बनाए, स्मारक बनाए हैं, इमारतें हैं और उद्योग जो हैं, ये सब किसने बनाए हैं, ये मानव ने बनाए हैं अपने अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। मनुष्य बच्चों अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आइए बच्चे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके, इसलिए अपने अनुसार वह पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
सेकंड, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो हमारे पर्यावरण के लिए जो जो चीज़ें खतरा हैं उनके लिए हमें एक सूची तैयार करनी है। तो आइए बेटा देखते हैं इसके लिए क्या, कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। सो बच्चों, हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के जो है इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए खतरा हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं वो, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि फैक्ट्री तो हम यूज़ कर रहे हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक की वस्तुएँ हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी है, प्लास्टर और पेरिस से बनने वाली मूर्तियाँ, ये सभी हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचाती हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपने आसपास से कुछ उदाहरण देकर निम्नलिखित तालिका को भरना है। मानव निर्मित पर्यावरण दिया गया है और प्राकृतिक पर्यावरण। बच्चों, मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया है, ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसने जो पर्यावरण में परिवर्तन किए हैं, जैसे कार बनाई, घूमने के लिए पंखा बनाया, हवा के लिए, ठीक है, तो इस तरह के उसने और क्या क्या आविष्कार किए, उन्होंने जो है उद्योग बनाए हैं, ठीक है, पुल, सड़क, इमारतें, स्मारक हैं, पार्क हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होगा, नदी, पर्वत, समुद्र बनाए हैं, इसके अलावा बेटे जो मिट्टी है वो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, मिट्टी है, पेड़ हैं, जल है, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इन दोनों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, मानव निर्मित क्या है, कार, पार्क, उद्योग, इमारतें, सड़क, पुल, फैक्ट्रियां आदि, और प्राकृतिक क्या होंगे, नदी, समुद्र, पर्वत, मिट्टी, हवा, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब जो है प्राकृतिक हैं और ये सब मानव निर्मित हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day.